Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लेकिन हमेशा से एक बात मुस्तहकम तौर पर मैं कहूंगा और कहता रहा हूं कि आप हिंदू ज़ायनिस्ट के साथ निगोशिएट नहीं कर सकते. हमें बेवकूफ बनाया जाता रहा है, कभी अमन की आशा के नाम पर, कभी पीस निगोशिएशंस के नाम पर, कभी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर, कभी इस बात पर कि कश्मीर हमें ड्रैग कर रहा है, इसको परे कर दें और बाकी सारे मामला आप हिंदुस्तान के साथ जारी रखें. फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया अब एक डेमोक्रेसी नहीं है, था कभी भी नहीं, लेकिन अब बिल्कुल खुलकर ये सामने आ चुके हैं. अब एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप है, एक नाजी, एक फैशिस्ट हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो जिसके साथ दुनिया की कोई ताकत निगोशिएट नहीं कर सकती जब तक आप इसको थ्रेट ना करें. आपने 27 फरवरी को कैसे रिस्पॉन्ड किया था जब उसने बालाकोट में आके आपको मारा था? उस वक्त भी तो हमारी इकोनॉमी वीक थी, उस वक्त भी तो हम यही मुल्क थे, चंद माह पहले की बात है. हाउ डिड वी रिस्पॉन्ड? और जब आपने उनका जहाज मार के गिराया, उनका पायलट पकड़ लिया, पूरे इंडिया की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी. देवर बेगिंग, देवर ऑन द नीज. वो पूरी दुनिया से कह रहे थे कि पाकिस्तान से कहो हमारा पायलट हमें वापस दे दे. एक पायलट हमारे पास था. आप यही ऑप्शन अप्लाई अभी भी कर सकते? नहीं करा जाहिर साहब. क्या क्या मैं थोड़ी देर के लिए जो आपका दूसरा ऑप्शन है उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रखता हूं. मेरे जहन में एक सवाल ये उठता है, क्या हिंदुस्तान नहीं चाहता जंग हो? क्या हिंदुस्तान जंग की पोजीशन में नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों डिप्लॉय कर रहा है 9 लाख फौज वो कश्मीर के अंदर? क्यों LOC पर मुसलसल वायोलेशन कर रहा है? सर, हिंदुस्तान चाहता है कि जंग हो, उसके पास भी जंग का ऑप्शन है सर, उसके पास भी एक फौज है, हम उसको डिनाय नहीं कर सकते. देखिए, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा. इंडिया उस वक्त आपसे जंग करेगा जब वो ये देखेगा कि आप सरेंडर कर रहे हैं, आप पीछे हटते जा रहे हैं, आप डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्पेस इंडिया को दे रहे हैं. जब आप स्टैंड ले जाएंगे, और ये हमारी तारीख है, 2002 की बात हम करते हैं, ज्यादा पीछे नहीं जाते. जब इसी तरह श्रीनगर में कार बम ब्लास्ट हुआ था, इंडिया ने हम पर इल्जाम लगाया, फौजें लाके हमारी सरहद पे खड़ी कर दी. जनरल मुशर्रफ का दौर था वो, हमने भी अपनी फौजें लाके सामने खड़ी कर दी. 11 लाख फौजें आमने सामने खड़ी रही एक दूसरे के, दोनों एटमी ताकतें उस वक्त भी थी, लेकिन इंडिया की जरूरत नहीं हुई कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करे. जब उसने यह देखा कि पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड, पूरी तरह से तैयार है, हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी निकाल लिए, उसके बाद डीएस्केलेशन हुई 10 महीने के बाद. अपने दुश्मन की मेंटेलिटी और माइंडसेट को समझिए. इस वक्त जो हमने अपनी पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पॉस्चर लिया है, डिफेंसिव, सरेंडरिंग, पैसिफिस्ट, इसके बाद वो अटैक करेगा आपके ऊपर. याद रख लीजिए मेरी बात. सर, वी आर नॉट डिफेंसिव. सर, हमने फरवरी में उनको मार गिराया, हमने LOC पे उनके जवानों को टारगेट किया, हमने LOC पे एक एक हिंदुस्तान के एक्शन का रिस्पांस दिया, हमने सफारती तौर पे जो कुछ हिंदुस्तान ने किया हमने उसका रिएक्शन दिया, हम कहीं पीछे नहीं हटे. तो हर पॉइंट पे हम कश्मीर के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के सामने हैं. इस मौके पर आकर फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि मोदी नहीं मान रहा. सर, मोदी को आज भी मुस्लिम उम्मा अवार्ड दे रही है, मोदी को आज भी ट्रंप फोन करके उसे कर्फ्यू हटाने की बात नहीं कर रहा. ही इज इन अ स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन. सर, देखिए, आप मुझे यह बताइए कि पाकिस्तान और इंडिया की जब आपस में जंगें हुई हैं तो दुनिया का कौन सा मुल्क आया है पाकिस्तान की मदद करने के लिए? हमने हमेशा तन्हा ही इंडिया को मार के ठोका है, चाहे वो कारगिल हो या 65 या 71 में हमें जो नुकसान हुआ, जो हम लड़े, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कुछ हमने किया. इस वक्त एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आप मिस कर रहे हैं, जिस पर आपने गुफ्तगु शुरू की थी अपनी, कि 50 लाख कश्मीरी पिछले 21 दिन से कर्फ्यू में हैं, भूखे और प्यासे मारे जा रहे हैं. ये टाइम क्रिटिकल सिचुएशन है. 27 फरवरी वाला केस भी नहीं है कि जब हमारे पास टाइम था कि हम अपनी मर्जी से बगैर किसी प्रेशर में आए हुए अपने टाइम एंड स्पेस पे रिटेलिएट करें, एंड वी डिड. लेकिन इस वक्त इनिशिएटिव दुश्मन के पास है. हमारे पाकिस्तानी हैं वो श्रीनगर में और वैली में जो फंसे हुए हैं, वो मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तानी हैं. लेकिन जब कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको. अगर जंग, तो दुश्मन अगर खासा जंग होती है तो दुनिया का झुकाव हिंदुस्तान के मौकफ पर होगा,
या पाकिस्तान के मौकिफ पे होगा? दुनिया का झुकाव उसकी तरफ होगा जो जंग में जुर्रत और दलेरी और कामयाबी दिखाएगा, जैसे 27 फरवरी के बाद आपने किया था। पूरी दुनिया का झुकाव आपकी तरफ था, इंडिया डिफेंसिव था। यह फैसला मैदान जंग की तलवार करेगी। अगर इंडिया ने लड़ ना करे, पाकिस्तान के अंदर हो गया, फिर आलमी ताकतें आके उधर सीज फायर करवाएंगी कि पाकिस्तानी इलाके दुश्मन के पास ही रह जाएं, जिस तरह मकबूजा कश्मीर पे उसने कब्जा कर लिया है और दुनिया इसको फेट है।